Hey my stylist family, welcome back to my channel. I am Vibha and thanks for watching Style with V. तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये किसने रिक्वेस्ट की थी ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और आपने मेरे जो जितने भी सारे वीडियोज़ हैं आपने वो वीडियोज़ काफ़ी पसंद किए हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना लव एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो आज का जो वीडियो है वो मेरे सब्सक्राइबर के लिए, और वो कौन है मेरा सब्सक्राइबर वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। और जो ड्रेसेस हैं वो आप आगे वीडियो में देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर का दुपट्टा लिया है। एज यू कैन सी गाइस, आप किसी भी तरीके का दुपट्टा ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और आपको दुपट्टा लेने के बाद आगे का जो पोर्सन होता है मीडियम साइज़ वाला, उसको लेकर पीछे की तरफ एक नॉट लगा लेंगे जैसे मैंने लगाई है। उसके बाद आपका जो दुपट्टे का नीचे का भाग होगा जैसा ये है जो आप देख रहे हैं, इसे बराबर ले लेंगे, मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसको लेने के बाद आगे जो आपने नॉट लगाई थी और जो स्पेस बचा था उसमें इस तरीके से डाल लेंगे, और जो आपने नॉट लगाई थी उसको शोल्डर पे ऐसे फैला लेंगे और आगे फ्लेयर टाइप बना लेंगे। आपको शॉर्ट फ्लेयर बनाने हैं ताकि ये सिर्फ ऊपर रहे, और ड्रेस रेडी है। ये रहा फाइनल लुक। तो आई होप गाइस आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही होगी। एज यू नो गाइस कि ये DIY ड्रेस है तो आपको बैक साइड से इसको स्टिच करना पड़ेगा, मतलब स्टिच नहीं करना पड़ेगा, आप इसको सेफ फुटिंग से सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि ये DIY ड्रेस है और ये विदाउट कटिंग और स्टिचिंग की गई है। तो आप सामने से लुक देख सकते हैं, बैक साइड से मैंने सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर किया है। बैक साइड से आपको नहीं दिखाऊंगी बट आप फ्रंट साइड से देखिए कैसी लग रही है। आप एक बार जरूर ये ट्राई करिए, जैसे काफ़ी अच्छी लगने वाली है। आप चाहें तो ऐसी ड्रेस डिज़ाइन करके इसको स्टिचिंग भी करवा सकते हैं। बाकी अगर आप दुपट्टे का यूज़ करके बना रहे हैं तो आपको स्टिच करने की जरूरत नहीं है, आप इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर करके पहन सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी ड्रेस। हे गाइस, मैंने यहाँ सेकंड ड्रेस बनाने के लिए व्हाइट कलर का दुपट्टा लिया है, और ये सिमिलर ही है ड्रेस जैसे आपने रेड कलर की ड्रेस बनाई थी उसी तरीके पूरा प्रोसेस है। बस आपको ये जो दुपट्टा है उसे ऑफ शोल्डर नहीं करना है, और वो जो आपने फ्लेयर फर्स्ट ड्रेस में शॉर्ट बनाया था इसमें आपको लॉन्ग फ्लेयर बनाने हैं। बस ड्रेस रेडी है। ये बहुत ही इजी है और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छी लगने वाली है। और मेरे ऊपर ये कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें अगर आपको अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी। ये कमेंट से मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू पता चलते हैं, और आप लोग मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं कि ये चीज़ गलत है या फिर ये कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये ड्रेस कैसी लग रही है गाइस? हे गाइस, तो थर्ड ड्रेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर का दुपट्टा ले रही हूँ और मैं इससे टॉप क्रिएट करूँगी। आपको दुपट्टे को ट्रायंगल शेप में ले लेना है और फिर इसे पीछे के साइड कवर अप करके सिक्योर कर लेना है। एंड स्कर्ट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस कलर के दुपट्टे को लिया है, और आप चाहें तो इस कमर पे इलास्टिक भी लगा सकती हैं, और मैंने यहाँ पर नॉट लगाई है। नॉट लगाने के बाद प्लीट्स बना लेंगे और प्लीट्स को लगा कर फैला लेंगे। ड्रेस रेडी है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, जिसकी रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाया था उनका नाम है रेनू सिंह, तो अ बिग हार्ट टू यू रेनू सिंह। और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आगे लाती रहूँगी। और आप लोग की भी कोई भी रिक्वेस्ट या हो सजेशन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे स्टाइलिश। बाय गाइज़।